गुड मॉर्निंग क्लास। बिजनेस मैनेजमेंट में हमने अपना नया चैप्टर स्टार्ट किया था, चैप्टर नंबर 9, जिसका नाम था बिजनेस लॉ एंड कॉन्ट्रैक्टेड। हमने उसके अंदर ये पढ़ा था कि लॉ का मीनिंग क्या होता है, बिजनेस लॉ का मतलब क्या होता है, बिजनेस लॉ के अंदर कौन कौन से स्कोप्स आते हैं और इंडियन बिजनेस लॉ के कौन कौन से सोर्सेज थे। ये हमने उस चैप्टर में स्टडी किया था। आज हम अपना फर्दर टॉपिक डिस्कस करेंगे, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। देखिए इंट्रोडक्शन इसका, एंड कमर्शियल एक्टिविटी रिक्वायर्स अंडरस्टैंडिंग अमंग पीपल कंसर्न। कोई भी अगर कमर्शियल एक्टिविटी है तो उसमें जो लोग लगे हुए हैं उन सबके बीच में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। दस अंडरस्टैंडिंग इज ऑफन रिड्यूस्ड इनटू राइटिंग टू गिव इफेक्ट टू द इंटेंशन टू द पार्टीज। इसलिए जो अंडरस्टैंडिंग है वो हमेशा रिड्यूस हो जाती है रिटर्न में, अगर हम उसको रिटर्न इफेक्ट ना दें तो। ठीक है, सच फॉर्मल वर्जन्स आर नोन एज कॉन्ट्रैक्ट। इन फॉर्मल वर्जन्स को हम क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। फॉर फुलफिलिंग आर डिफरेंट डेली नीड्स वी हैव टू मेक कॉन्ट्रैक्ट्स। अपने डेली नीड्स को फुलफिल करने के लिए हमें कॉन्ट्रैक्ट्स बनाने पड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टू बाय ब्रेड, टू अरेंज फॉर कन्वीनियंस, टू बाय बुक्स, टू बाय टिकट फॉर रिक्रिएशन एंड सो ऑन। ठीक है, देयरफॉर वी कैन से दैट आवर लाइफ इज बेस्ड ऑन कॉन्ट्रैक्ट। इस बेसिस पे हम क्या कह सकते हैं कि हमारी जो लाइफ है वो किस पे बेस्ड है, कॉन्ट्रैक्ट्स पे बेस्ड है। द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेफगार्ड्स द राइट ऑफ बोथ द पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट। जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है उसके अंदर जो दोनों पार्टीज इन्वॉल्व होती है दोनों के राइट्स को सेफ रखा जाता है। ऑल्दो वन ऑफ द ओल्डेस्ट क्लॉज इन इंडिया, लीगल एक्सपर्ट्स नोट दैट द ICA's इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट रेलिवेंस हैज ग्रोन मैनिफोल्ड इन द करंट बिजनेस एनवायरमेंट विद इंक्रीज इन द नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स बीइंग एंटर्ड इन बिटवीन वेरियस पार्टीज एंड द रिजल्टेंट डिस्प्यूट्स। देखिए जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है वो काफ़ी पुराना है, इसलिए जो लीगल एक्सपर्ट्स है वो ये बोलते हैं कि आज के टाइम में इसका जो सिग्निफिकेंस है, जो इंपॉर्टेंस है, वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज होती जा रही है, क्योंकि ज़्यादातर जो पार्टीज है वो कॉन्ट्रैक्ट में आती है इसी कॉन्ट्रैक्ट के अंडर, और उनसे रिलेटेड जो भी लड़ाइयाँ हैं वो यहाँ पर सुलझाई जाती है। इन अब्सेंस ऑफ ICA द एंटायर बिजनेस वर्ल्ड विल कोलैप्स एंड देयर मे प्रिवेल एन एनवायरमेंट ऑफ रिस्क एंड फियर अनसर्टेनिटी एंड कैओस। अगर जो बिजनेस है वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंग अगर एंटर नहीं होंगे तो उससे क्या होगा, जो बिजनेस एनवायरमेंट है वो सारा ख़त्म हो जाएगा, रिस्क आ जाएगा, डर हो जाएगा, अनसर्टेनिटीज, ये सब चीज़ें वहाँ पर स्टार्ट हो जाएंगी। इसलिए जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आगे देखिए, ICA का मतलब यहाँ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 केम इन टू फोर्स ऑन 1 September 1872 हैविंग 266 सेक्शंस, बट लेटर इन 1930 सम ऑफ द सेक्शंस वर डिलीटेड। ऑल्दो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट एंड इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 वर कोडिफाइड एज सेपरेट एक्ट्स। देखिए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जब लागू हुआ था तब उसके अंदर 266 सेक्शंस थे, बट बाद में कुछ एक सेक्शंस को डिलीट कर दिया गया, और जो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है और जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है उन्हें अलग अलग लॉज बना दिए गए। आफ्टर दिस चेंजेस द सब्जेक्ट मैटर ऑफ ICA प्रेजेंटली हैविंग 238 सेक्शंस। ठीक है, ये आपको याद करना है कि जब बना था तब 266 सेक्शंस थे, बट आज के टाइम में कितने हैं, 238 सेक्शंस हैं। आगे डिफाइन भी किया हुआ है, 1 to 75 जो सेक्शंस हैं वो बेसिक प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड कौन से कॉन्ट्रैक्ट के हैं, 76 to 123 सेल्स ऑफ गुड एक्ट्स के हैं, 124 to 147 कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी रिलेटेड प्रोविजंस, सेक्शन 148 to 181 प्रोविजन रिलेटेड टू कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट एंड प्लेज, 182 to 238 प्रोविजन रिलेटेड टू एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, ये सारे कॉन्ट्रैक्ट्स हमें यहाँ पे बता रखे हैं, सॉरी सेक्शंस बता रखे हैं कि किन सेक्शंस में किसके लिए बोला गया है, किसके रिलेटेड आपके जो बोल सकते हैं आप वर्डिक्ट दी गई है, किस डिस्प्यूट के अकॉर्डिंग किस तरीके से आपका बताया गया है। ठीक है, तो अब आते हैं हम हमारे टॉपिक पे कि डेफिनेशन या मीनिंग क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट का। द वर्ड कॉन्ट्रैक्ट हैज इट्स ओरिजिन फ्रॉम द लैटिन वर्ड कॉन्ट्रैक्टर्स विच मीन ड्रॉ टुगेदर, कंबाइन, मेक एन एग्रीमेंट। देखिए जो कॉन्ट्रैक्ट वर्ड है उस वो लैटिन वर्ड कॉन्ट्रैक्टर्स से आया है, कॉन्ट्रैक्टर्स से, जिसका मतलब है साथ आना, जुड़ना, ये एक एग्रीमेंट बनाना। Therefore, a contract is a voluntary, deliberately, legally binding agreement between two or more competent parties. ठीक है, इसलिए contract क्या है, आपका इच्छा से, आपकी इच्छा से आप legally एक दूसरे के साथ जुड़े हैं, दो या दो से ज़्यादा parties, which defines the legal obligations and authorities of parties. जो क्या है, legal obligations दिखाती हैं आपकी कि आप legally इस चीज़ के लिए liable हैं या नहीं हैं। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट इज डिफाइंड बाई डिफरेंट लॉ एक्सपर्ट, सम ऑफ दिस डेफिनेशंस आर। अब कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशंस देखिए आप, अकॉर्डिंग टू पॉलॉक एवरी एग्रीमेंट एंड प्रोमिस एनफोर्सेबल बाई लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट।
सारे वो एग्रीमेंट और प्रॉमिस जो लॉ के अकॉर्डिंग आपके फुलफिल हो सकते हैं, जिनको आप कंप्लीट कर सकते हो, वो सभी क्या हैं, आपके कॉन्ट्रैक्ट हैं। इसके अलावा देखिए सेलमन ने क्या बोला है, ए कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट क्रिएटिंग ए डेफिनेटली ऑब्लिगेशन बिटवीन टू और मोर पर्संस बाय विच राइट आर एक्वायर्ड बाय वन और मोर टू एक्ट और फॉरबेरेंस ऑन द पार्ट ऑफ अदर। एक कॉन्ट्रैक्ट क्या है, एक ऐसा एग्रीमेंट है जिसके अंदर आप क्या है, दो या दो से ज़्यादा पर्सन एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं और इक्वली लाइबल होते हैं, दोनों एक दूसरे के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं और उनके जो राइट्स हैं वो या तो दोनों के पास अलग अलग होते हैं या कोई एक जो है बाकी सभी के लिए भी लाइबल होता है, बाकी सभी के बिहाफ पे भी वो वर्क करता है। अकॉर्डिंग टू सर विलियम एनसन देखिए, अ लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पर्सन्स बाय विच राइट आर एक्वायर्ड बाय वन और मोर टू एक्ट और फॉरबेरेंस ऑन द पार्ट ऑफ अदर। एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट, एक ऐसा एग्रीमेंट, सॉरी कॉन्ट्रैक्ट नहीं, एक ऐसा एग्रीमेंट जो दो लोगों को लीगली बाइंड करता है, ठीक है, कानूनी रूप से एक दूसरे से जोड़ता है, जिसके अंदर उनके राइट्स ये होते हैं कि वो किस तरीके से अपने राइट्स को फुलफिल करेंगे दूसरों के लिए और खुद के लिए, वो आपका क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। अब देखिए इसके अलावा सेक्शन 2H डिफाइंस अ कॉन्ट्रैक्ट एज एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ, और जो सेक्शन 2 भी है हमारे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, उसने क्या कहा है, कॉन्ट्रैक्ट वो एग्रीमेंट है जो लॉ के अकॉर्डिंग पूरा किया जा सकता है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए, ये जो वर्ड बोला है इन्होंने कि कॉन्ट्रैक्ट वो एग्रीमेंट है जो लॉ के द्वारा ये है कि हाँ आप उसे फुलफिल कर सकते हो, अगर आप किसी के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट करें कि हाँ मैं तुम्हें ना तारे तोड़ करके ला के दूंगा, तो वो आपका जो एग्रीमेंट है वो कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू लॉ वो इम्पॉसिबल है, वो हो ही नहीं सकता, कोई भी पर्सन तारे तोड़ करके ला के दे ही नहीं सकता। ठीक है, आगे देखें, ऑल द अबव गिवन डेफिनेशन मेक इट क्लियर दैट अ कॉन्ट्रैक्ट इज अ लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पार्टीज विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ। इन सभी डेफिनेशन से हमें क्या पता चलता है कि कॉन्ट्रैक्ट जो है दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच में एक लीगल बाइंडिंग है, लीगल एग्रीमेंट है, जो ऐसा एग्रीमेंट करवाता है दो पार्टीज के बीच में जो लॉ के अकॉर्डिंग फुलफिल हो सकता है। ऑन एनालाइजिंग द डेफिनेशन गिवन वी फाइंड दैट द कॉन्ट्रैक्ट कंसिस्ट ऑफ टू एसेंशियल एलिमेंट, एग्रीमेंट एंड एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ। अब हम इन्हीं की बात करेंगे कि एग्रीमेंट और एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ होता क्या है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 10 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, द ज्यूरिस्टिक कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कंसिस्ट ऑफ प्रॉपर ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। ठीक है, जो आपका सेक्शन 10 है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, वो क्या बताता है कि हर किसी के पास ऑफर और एक्सेप्टेंस दो तरीके की चीजें होती है। देखिए, एन एग्रीमेंट इज डिफाइंड एज एवरी प्रोमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। एक एग्रीमेंट जो है आपका, एग्रीमेंट क्या है, वो सारे प्रोमिसेस या उन सभी प्रोमिसेस का सेट जो आप एक दूसरे के लिए फुलफिल करना चाहते हैं। और एक प्रोमिस क्या होता है अकॉर्डिंग टू लॉ, व्हेन द पर्सन टू हुम द प्रपोजल इज मेड सिग्निफाइज हिज असेंट देयर टू। देखिए, जब वो पर्सन जिसको आपने प्रपोजल दिया है कि मैं तुम्हारे साथ काम करना चाहता हूँ, वो भी अपनी असेंट दे दे, असेंट मतलब अपनी सहमति दे दे, द प्रपोजल इज सेट टू बी एक्सेप्टेड। उस सिचुएशन में हम क्या मानते हैं कि हाँ प्रपोजल आपका मान लिया गया है। ए प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रोमिस, जब आपका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया जाता है तब वो क्या बनता है, प्रोमिस बनता है। दस इन अदर वर्ड्स मीन्स टू फॉर्म एन एग्रीमेंट देर मस्ट बी अ प्रपोजल और ऑफर बाय वन पार्टी एंड इट इज एक्सेप्टेंस बाय अदर। देखिए, इसलिए ये बोला जाता है कि किसी भी एग्रीमेंट को बनाने के लिए एक प्रपोजल होना चाहिए, एक ऑफर होना चाहिए और उस ऑफर को एक्सेप्टेंस भी मिलनी चाहिए। ठीक है, अगर आपने किसी को कोई प्रपोजल दिया है तो वो उसे जब एक्सेप्ट कर लेगा, अपनी इच्छा से एक्सेप्ट कर लेगा, तब जा करके क्या बनता है आपका, एग्रीमेंट बनता है। टू सम अप, एग्रीमेंट इज इक्वल टू ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। इसलिए हम क्या कह सकते हैं, एग्रीमेंट क्या है, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस दोनों है। यहां से आपको एग्रीमेंट की डेफिनेशन मिल गई, या आप चाहें तो एग्रीमेंट यहां से भी लिख सकते हैं। टू फॉर्म एन एग्रीमेंट देर मस्ट बी अ प्रपोजल और ऑफर बाय वन पार्टी एंड इट्स एक्सेप्टेंस बाय अदर। ठीक है, हमें जो है प्रॉब्लम कहाँ होगी, अगर हम कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट के बीच का डिफरेंशिएट नहीं कर सके तब तक हमें प्रॉब्लम आती ही रहेगी, हम कंफ्यूज होते रहेंगे कि हमें क्या लिखना चाहिए क्या नहीं। ठीक है, इसलिए इनको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आगे देखिए, ऑब्लिगेशन क्या होता है, एन एग्रीमेंट टू बिकम अ कॉन्ट्रैक्ट मस्ट गिव राइज टू अ लीगल ऑब्लिगेशन। देखिए, जब एक एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट बनता है तब उसके अंदर कुछ एक लीगल ऑब्लिगेशंस आ जाती हैं, विच मीन्स अ लीगल टाई विच इम्पोजेज अपॉन अ डेफिनेट पर्सन और पर्सन द नेसेसिटी ऑफ डूइंग
देखिए इसको समझते हैं, और वो लीगल ऑब्लिगेशंस करती क्या है, वो लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी करती क्या है, दो पर्सन को आपस में जोड़ देती है कानूनी तरीके से, या द नेसेसिटी ऑफ डूइंग और अब्सटेनिंग फ्रॉम डूइंग ए डेफिनेट एक्ट और एक्ट, और उसे इस तरीके से जोड़ देते हैं कि उसे वो जो काम है जिसके लिए वो दोनों आपस में जुड़े हैं वो काम उन्हें करना ही पड़ेगा। एन एग्रीमेंट मस्ट गिव राइज टू अ लीगल ऑब्लिगेशन इन ऑर्डर टू बिकम अ कॉन्ट्रैक्ट। और एक जो एग्रीमेंट है वो आपका कॉन्ट्रैक्ट कौन सी सिचुएशन में बन सकता है, जब वो लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट कर दे। ठीक है, तो कंक्लूड कैसे कर सकते हैं आप, कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल टू एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ। और एग्रीमेंट क्या होता है, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। ऑफर में आपका क्या आ सकता है, प्रोमिस, प्रोमिस प्लस कंसिडरेशन, यहाँ से आपका एग्रीमेंट बन जाएगा। एग्रीमेंट सब क्या क्या बन जाएगा, एग्रीमेंट में जब आप लॉ कंक्लूड कर देंगे तब आपका कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। ठीक है, अगर मैं ओवरऑल इस चीज को समराइज करूँ तो देखिए, आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है तब कॉन्ट्रैक्ट बनता है जब आपका एग्रीमेंट हो, ठीक है, दो पार्टीज के बीच में। और एग्रीमेंट कैसे होगा कि आपने किसी पर्सन के साथ, किसी पार्टी के साथ कोई प्रपोजल भेजा, कोई ऑफर दिया उन्हें, ठीक है, और उन्होंने उस ऑफर को एक्सेप्ट भी किया। ठीक है, आपने ऑफर दिया और सामने वाली पार्टी ने उस ऑफर को एक्सेप्ट किया, तब जा करके क्या बनेगा, आपका एग्रीमेंट बनेगा। और उस एग्रीमेंट में जब आप लॉ ले आए बीच में कि हाँ अब हम, जब हम लोगों ने एग्रीमेंट कर ही लिया है तब हम लीगली बाइंड है उस काम को करने के लिए, तब जा करके आपका क्या बनता है, कॉन्ट्रैक्ट बनता है। ठीक है, तो आप ये बोल सकते हैं ऑफर और एक्सेप्टेंस होगा तो आपका एग्रीमेंट बनेगा, एग्रीमेंट प्लस लीगल ऑब्लिगेशंस होगा तो आपका क्या बनेगा, कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। ठीक है, ये आपका ओवरऑल कॉन्ट्रैक्ट रहा। एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है। जब आपके कॉन्ट्रैक्ट में, ठीक है, जब आपके कॉन्ट्रैक्ट में एग्रीमेंट हो, ठीक है, जब आपके आप किसी चीज़ को कॉन्ट्रैक्ट कब कह सकते हैं, जब लीगली बाइंड एग्रीमेंट हो दो या दो से ज़्यादा पार्टीज के बीच में, विच इज़ एनफोर्सेबल बाय लॉ, जो लॉ की तरफ से बिल्कुल वैध हो कि हाँ ऐसा हो सकता है। ठीक है, अब एग्रीमेंट क्या हुआ, वो सारे प्रोमिस या वो सारे प्रपोजल जो आप किसी दूसरे के साथ करते हैं, ठीक है, और वहाँ दूसरे जो लोग हैं उसे एक्सेप्ट भी करते हैं, वो आपका एग्रीमेंट बन जाता है। ओके, अगर प्रॉपर बोलूँ तो टू फॉर्म एन एग्रीमेंट देयर मस्ट बी अ प्रपोजल और ऑफर बाय वन पार्टी एंड इट्स एक्सेप्टेंस बाय अदर। ठीक है, और दूसरे की क्या हो, उस पर सहमति हो। और जब आपके उस ऑफर और एक्सेप्टेंस में इनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ आ जाता है, लीगल बाउंडेशंस आ जाती हैं, तब आपका क्या बन जाता है, वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। ठीक है, इतना हुआ कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन। अब हम करते हैं कि एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए कौन कौन से एलिमेंट्स चाहिए, कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो आपके कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बताते हैं। ठीक है, देखिए एलिमेंट्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेक्शन 2B एंड सेक्शन 10 स्टेट्स दैट देयर आर सम एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट विच आर स्टेटेड बिलो। देखिए जो सेक्शन 2B है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का और सेक्शन 10 है, वो कुछ एक एलिमेंट्स बताते हैं जो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए ज़रूरी है। उसमें सबसे पहले क्या है, प्रेजेंस ऑफ टू और मोर पार्टीज। सबसे पहले एसेंशियलिटी क्या है कि दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच में क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए दो या दो से ज़्यादा पार्टियाँ वहाँ प्रेजेंट होनी चाहिए। द फर्स्ट एसेंशियल एलिमेंट ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इज प्रेजेंस ऑफ एटलीस्ट टू पार्टीज टू मेक अ कॉन्ट्रैक्ट। जो फर्स्ट एसेंशियल एलिमेंट है वो यही है कि कम से कम दो पार्टीज हो कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए, वन पार्टी मेकिंग द ऑफर एंड अदर पार्टी एक्सेप्टिंग इट। पहली पार्टी ऑफर दे और दूसरी पार्टी उसे एक्सेप्ट करे, मतलब ऑफरर ऑफरी दोनों वहाँ होना चाहिए। ऑफरर कौन होता है, जो ऑफर देता है, और ऑफरी कौन होता है, जो उसे एक्सेप्ट करता है। द ऑफर व्हेन एक्सेप्टेड बिकम एन एग्रीमेंट। ठीक है, अब आगे देखिए इसको क्या बोला हुआ है। एज पर मैरिज टू पार्टीज आर रिक्वायर्ड, द ग्रूम एंड द ब्राइड, इन द सेम वे टू पार्टीज आर एसेंशियल फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट। एग्जाम्पल इन केस ऑफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट टू पार्टीज, इंश्योरर एंड इंश्योर्ड। ठीक है, मतलब अगर आप शादी भी कर रहे हैं तो आपको दो पार्टीज चाहिए, एक दूल्हा और एक दुल्हन। उसी तरीके से जब आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तब भी आपको दो पार्टीज चाहिए। मान लीजिए आप इंश्योरेंस करवा रहे हैं तो एक तो वो पर्सन होना चाहिए जिसके इंश्योरेंस होनी है और दूसरा वो होना चाहिए जो इंश्योरेंस कर रहा है। अगर आप परचेज सेल कर रहे हैं तो एक पर्सन वो होना चाहिए जो परचेज कर रहा है, एक पर्सन वो होना चाहिए जो सेल कर रहा है। ठीक है, तो दो या दो से ज़्यादा पार्टीज का वहाँ पे होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वैलिड होता है। उसके बाद है एग्रीमेंट। देखिए टू फॉर्म ए कॉन्ट्रैक्ट देर मस्ट बी एन एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज। एक कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए दो पार्टीज के बीच में एग्रीमेंट होना जरूरी है। टू फॉर्म एन एग्रीमेंट देर मस्ट बी अ प्रपोजल और ऑफर बाय वन पार्टी एंड इट्स एक्सेप्टेंस बाय अदर। ठीक है,
जब आप एग्रीमेंट कर रहे हैं तो दो या दो से ज़्यादा पार्टी, सॉरी, एक एग्रीमेंट होना चाहिए दो पार्टीज़ के बीच में, और एग्रीमेंट भी कैसा होना चाहिए कि एक प्रपोजल आपने दिया हुआ हो और दूसरी पार्टी ने उसे एक्सेप्ट किया हुआ हो. बट व्हेन टू पार्टीज मेक आइडेंटिकल ऑफर्स टू ईच अदर इन इग्नोरेंस ऑफ ईच अदर्स ऑफर्स, पर देखिए वो सिचुएशन जब दोनों पार्टीज एक दूसरे को ऑफर करती है पहले ऑफर को भूल करके, फॉर एग्जाम्पल ऑफर ऑफ परचेज एंड सेल ऑफ द सेम कमोडिटी एट द सेम टाइम और साइमल्टेनियसली, सच ऑफर्स आर क्रॉस ऑफर्स एंड नॉट एन एग्रीमेंट. देखिए मान लीजिए आपने क्या किया कि एक ही टाइम पे आप भी वो चीज़ परचेज करना चाहते हैं और दूसरे टाइम पे आपके सामने वाली जो पार्टी है वो भी उस चीज़ को परचेज करना चाहती है, तो उस केस में आपका जो एग्रीमेंट है वो एग्रीमेंट ना होकर के क्रॉस ऑफर होता है. देखिए एग्जांपल के थ्रू समझाया भी हुआ है. सीमा मेड एन ऑफर टू रीटा टू सेल हर पार्लर फॉर 50,000. रीटा एक्सेप्टेड द ऑफर. There is an agreement between Seema and Rita. At Seema get consideration of ₹50,000 and Rita gets parlor in exchange. देखिए ये agreement का आपको एक example दिया हुआ है कि Seema ने offer किया Rita को कि वो अपना parlor उसे बेचेगी 50,000 में और Rita ने उसको accept कर लिया. अब उन दोनों के बीच में एक agreement हो गया है कि Seema को तो पैसा मिलेगा और Rita को क्या मिलेगा, parlor मिलेगा. ठीक है, तो एक agreement होना बहुत ज़रूरी है. उसके बाद intentions to create legal relationship. When the two parties enter into an agreement, their intention must be create legal relation between them. देखिए जब दो parties agreement में आती है तो उनके बीच में legal relation होना चाहिए. If there is no such intention on the part of the parties, there is no contract between them. अगर उनके मन में ये इच्छा नहीं होगी कि वो उसे legal बनाए तो उनके बीच में कोई contract नहीं होगा. We make any domestic or social nature agreement in our daily life. हम देखिए अपने daily life में काफ़ी सारे agreement करते हैं, like एग्रीमेंट्स टू टेक लंच टुगेदर कि हम साथ में खाना खाएंगे, मूवी देखेंगे, बर्थडे पार्टी करेंगे एक्सेट्रा. तो सच कॉन्ट्रैक्ट्स क्रिएट फैमिली पॉलिटिकल और सोशल ऑब्लिगेशंस, बट देयर ऑब्जेक्टिव इज नॉट टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन. देखिए ये सारे जो कॉन्ट्रैक्ट हैं इनमें कहीं भी आपका लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है. इनमें आपको कहीं ऐसा नहीं कहा जाएगा कि अगर तुमने मेरे साथ लंच नहीं किया तो तुम्हें जेल हो जाएगी, तुम्हें पेनल्टी लगेगी, ऐसा कुछ नहीं होता. हैंस दे कांट बी टर्म्ड एज कॉन्ट्रैक्ट. उन्हें हम इसलिए क्या है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं कह सकते. For a valid contract, both the parties to a contract must bear in their mind that there will have some legal right against each other. एक valid contract बनाने के लिए दोनों parties के mind में ये बात clear होनी चाहिए कि उन दोनों के पास एक दूसरे के लिए legal rights हैं. And if any of them does not fulfill their obligations, और अगर उनमें से कोई एक भी अपना काम अच्छे से नहीं कर सकता है contract के under, then the court will make them fulfill their obligations. तो आप उसे court में sue भी कर सकते हैं. देखिए example दिया है यहाँ पे. A husband agreed to pay his wife certain amount of maintenance every month while he was abroad. देखिए एक जो husband है उसने अपने wife को ये promise किया कि मैं तुम्हें हर महीने पैसा भेजूंगा क्योंकि मैं abroad में रह रहा हूँ. Husband failed to pay the promised amount and wife sued him for the recovery of the amount. अब देखिए husband ने वैसा नहीं किया, pay नहीं कर पाया वो, और wife ने क्या कर दिया, उसे sue कर दिया, उसके खिलाफ case कर दिया. Here in this case, wife could not recover as it was a social agreement. ठीक है, अब इस केस में वाइफ को कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि एक सोशल एग्रीमेंट था एंड द पार्टीज डिड नॉट इंटेंड टू क्रिएट एनी लीगल रिलेशन. और पार्टीज के बीच में कोई लीगल रिलेशन नहीं था, हस्बैंड वाइफ का रिलेशन था, एक सोशल एग्रीमेंट था. ठीक है, ये वाला एग्जांपल ही इसमें दिया जाता है. चाहे आप कोई किसी भी लेवल पे एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट पढ़ेंगे आपको यही एग्जाम्पल वहां दिया जाएगा. आगे देखें कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी. कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी मतलब आपके अंदर इतनी कैपेसिटी तो होनी चाहिए कि आप कॉन्ट्रैक्ट कर सकें. According to Section 10, an agreement becomes a contract if it is entered by the parties who are competent to contract. Section 10 के according agreement contract कब बनता है, जब जो parties है वो contract करने के लायक हो. According to Section 11, every person is competent to contract who is not a minor, not of unsound mind and not disqualified by any law which he is subject to. और Section 11 क्या कह रहा है, वो सभी person contract करने के लायक होते हैं जो माइनर नहीं होते, पागल नहीं होते, या उनको लोग ने डिसक्वालीफाई ना किया, मतलब उन्हें गलत ना बताया हो. ठीक है, उसके बाद फ्री एंड जेन्युइन कंसेंट. अब देखिए आपकी जो कंसेंट, आपकी जो सहमति है वो बिल्कुल बिना किसी प्रेशर के होनी चाहिए. इट इज़ एसेंशियल फॉर क्रिएशन ऑफ एवरी कॉन्ट्रैक्ट दैट देयर मस्ट बी अ फ्री एंड जेन्युइन कंसेंट ऑफ द पार्टीज टू द एग्रीमेंट. कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए बहुत ज़रूरी है कि पार्टीज की कंसेंट हो एग्रीमेंट के लिए.
द कंसेंट ऑफ द पार्टी इज सेड टू बी फ्री व्हेन दे आर ऑफ द सेम माइंड ऑन ऑल द मटेरियल टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. और उनके कंसेंट को फ्री कब कहा जाता है, जब वो सारे मुद्दों पर सहमत हों. द पार्टीज आर सेट टू बी ऑफ द सेम माइंड वैन दे एग्री अबाउट द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इन द सेम सेंस एट द सेम टाइम. और उन्हें कब कहा जाता है सेम माइंड का, जब उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट के सारे सब्जेक्ट मैटर पे सेम तरीके से अपनी सहमति दी हो. देर इज अब्सेंस ऑफ फ्री कंसेंट इफ द एग्रीमेंट इज इंस्यूड बाई करीजन अंडू इन्फ्लुएंस फ्रॉड मिसरिप्रेजेंटेशन एक्सेट्रा. अगर आपके साथ धोखाधड़ी से आपको दबाव डाल करके आपसे धोखा करके कोई आपको गलत बात बता करके अगर आपसे सहमति ली गई है तो वो आपकी फ्री कंसेंट नहीं होती. उसके बाद लॉफुल कंसिडरेशन. लॉफुल कंसिडरेशन का क्या मतलब है कि अगर आप कुछ दे रहे हैं तो बदले में आपको कुछ मिले. इट मीन्स समथिंग इन रिटर्न. द एग्रीमेंट इज लीगली इन्फोर्सेबल ओनली वेन सपोर्टेड बाई कंसिडरेशन. जो एग्रीमेंट है वो लीगली इन्फोर्सेबल सिर्फ तभी होता है जब उसके अंदर कंसिडरेशन भी हो. That is when both the parties give something and get something in return. इसका मतलब क्या है कि दोनों parties कुछ देते हो और उन दोनों को बदले में कुछ मिलता भी वहाँ से हो. With consideration, a contract become void. एक consideration के साथ ही जो contract आपका void होता है. Sorry, यहाँ पे आएगा without consideration. Without consideration, जो contract है वो आपका void हो जाता है, illegal हो जाता है. उसके बाद lawful object. द ऑब्जेक्ट ऑफ द एग्रीमेंट मस्ट बी लॉफुल. इन अदर वर्ड इट मस्ट नॉट बी इलीगल इमोरल अपोज टू पब्लिक पॉलिसी. ठीक है, वो एक लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसीज वो नहीं होना चाहिए. उसके बाद देखिए सर्टेनिटी. सर्टेनिटी इज एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट. द एग्रीमेंट मस्ट बी सर्टेन एंड नॉट वेग और इनडेफिनेट. जो कॉन्ट्रैक्ट आपका वो क्लियर होना चाहिए, उसके अंदर कुछ भी ऐसा ना हो जो आप कर ही ना सकें. इफ़ इट इज वेग ड्यू इट इज नॉट पॉसिबल टू असर्टेन इट्स मीनिंग, इट कैन नॉट बी इन्फोर्स. Therefore, there should be certainty regarding condition of agreement, meaning, value, quantity, time and place of delivery, way of performance, nature of product, etc. ठीक है, सभी चीज़ों के बारे में आपको क्लियर बताया गया हो कि ये सभी चीज़ें इस तरीके से परफॉर्म की जाएगी, नेचर ये रहेगा, इस टाइम पे किया जाएगा, इस जगह पे किया जाएगा, ये प्लेस रहेगा, सभी चीज़ें. ठीक है, उसके बाद पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस. जो आप काम कर रहे हैं एटलीस्ट उसमें पॉसिबल तो हो वो काम करने के लिए. देखिए द टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट मस्ट ऑल्सो बी सच एज आर कैपेबल ऑफ परफॉर्मेंस. जो टर्म्स एग्रीमेंट के वैसे होने चाहिए जो परफॉर्म करने लायक हो. एन एग्रीमेंट टू डू एन एक्ट इम्पॉसिबल इन इट सेल्फ कैन नॉट बी एनफोर्स्ड. देखिए एक ऐसी चीज का एग्रीमेंट करना जो हो ही नहीं सकती तो वो आपका लीगल एनफोर्स भी नहीं हो सकता. फॉर एग्जाम्पल ए एग्रीज विद बी टू पुट लाइफ इन टू हिज डेड वाइफ. मतलब कि ए ने बी को ये बोला कि मैं तुम्हारी मरी हुई पत्नी को जिंदा कर दूंगा. द एग्रीमेंट इज वॉइड एज इट इज इम्पॉसिबल टू परफॉर्म. तो यहाँ पे जो एग्रीमेंट है वो क्या है आपका इलीगल हो गया, वॉइड हो गया, क्योंकि हम किसी मरे हुए इंसान को जिंदा नहीं कर सकते. ठीक है, एग्रीमेंट डिक्लेयर्ड वॉइड. द एग्रीमेंट मस्ट नॉट हैव बीन एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड बाई एनी लॉ इन फोर्स इन द कंट्री. जो आपका एग्रीमेंट है वो किसी भी लॉ ने वॉइड ना बताया हो. ठीक है, और वॉइड कब होता है लॉ, जब उसके कोई कॉन्ट्रैक्ट जब या तो उसके अंदर एसेंशियल एलिमेंट्स मिसिंग हो, कंसेंट ना हो, लॉफुल कंसिडरेशन ना हो, उस केस में क्या है वो आपका एग्रीमेंट वॉइड हो जाता है. तो कोई भी लॉ उस एग्रीमेंट को वॉइड ना कहे, एग्रीमेंट नॉट डिक्लेयर्ड वॉइड आएगा यहाँ पे. आफ्टर दैट लीगल फॉर्मेशन. ए कॉन्ट्रैक्ट मे बी मेड बाय वर्ड स्पोकन और रिटन. As regard the legal effect, there is no difference between a contract in writing and a contract made by words of mouth. There are some other formalities which have to be complied with in order to make a contract legally enforceable, like a contract besides written. One has to be registered, to be stamped, to be properly attested and so on. इसका मतलब क्या है कि जब आप उसे बना रहे हैं, रिटर्न में बना रहे हैं, तो उसके ऊपर सारी फॉर्मेलिटीज भी कंप्लीट करवाई जानी चाहिए. जैसे उसके ऊपर साइन होने चाहिए, अटेस्ट होना चाहिए, वो उस पर स्टैंप लगे होने चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए, ये सभी चीज़ें उसके अंदर होनी चाहिए. तो ओवरऑल हमने जो है ये देखा कि कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है और कॉन्ट्रैक्ट के कौन कौन से एसेंशियल एलिमेंट्स हैं. नेक्स्ट सेशन में हम हमारा ये करेंगे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर कौन कौन से मेन वर्ड्स होते हैं जो आपने यहाँ डिस्कस किए हैं, उनकी हम डेफिनेशंस करेंगे. ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है. अप्रोक्सीमेट 35 आई थिंक इसमें डेफिनेशंस हैं, आपको वर्ड्स हैं जो आपको पता होने चाहिए. और यही आपका होमवर्क है कि आपको इनको अच्छे से एक बार रीड करना है. और जो आज मैंने करवाया है बिल्कुल थोड़ा सा टॉपिक करवाया है इसीलिए ताकि आप पे प्रेशर ना रहे, आपका बिल्कुल न्यू कॉन्सेप्ट है तो आपको इजीली समझ आ जाए. ओके, तो आपका होमवर्क है कि आप इस चीज़ को अच्छे से करें. ओके स्टूडेंट्स, आई एम गोइंग टू वाइंड अप माई सेशन.
हैव ए नाइस डे। एंड अगेन आई एम रिपीटिंग, आज जो मैंने करवाया है उसको आप लोगों को अपनी बुक में से एक बार अच्छे से रीड ज़रूर करना है और उसके नोट्स भी बनाने हैं ताकि आपको जो है प्रॉब्लम ना हो समझने में। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।